अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुल्तान व्लॉग। तो दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन हम अपने सुल्तान के ऊपर सैडल जो है ना वो रखने लगे हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने सैडल मंगवाई, उसका मैंने पूरा रिव्यू आपको दिखाया। तो आज इंशाल्लाह वो दिन आ गया है कि जिस दिन हम इसके ऊपर सैडल, जिसका इंतज़ार था सैडल रखने का, तो आज हम इसके ऊपर सैडल रखते हैं और आपको इसकी भी पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। आज सुल्तान को सैडल रख के फिर बाहर लेके जाएंगे, तो देखिएगा इंशाल्लाह कैसे सैडल हम फिट करते हैं। मैं भी पहली दफ़ा सैडल फिट करने लगा हूँ, तो बस ऐसे मैंने तरीका समझा था समझ के, अब इसके ऊपर मैं खुद फिट करता हूँ और देखता हूँ कि इसके मुताबिक साइज़ जो है ना, इसकी सैडल का, इसकी ब्राइडल का, चेस्ट बेल्ट का, दीगर सामान इसके साइज़ के मुताबिक है, यहाँ कोई कमी पेशी तो नहीं, वो सारा कुछ अब चेक करते हैं इंशाल्लाह। ये जी ब्राइडल, सबसे पहले इसको ना ब्राइडल जो कहते हैं, लगाम भी कहते हैं, सबसे पहले इसको ब्राइडल हम पहना देंगे ताकि जो है ना इसका मुंह कंट्रोल हो जाए। अक्सर जो है ना शरारतें करता है, ये चक वगैरह काटता है, उससे ज़रा ग्रेज कर लेगा। सबसे पहले इसको हम ये पहना देते हैं ताकि ये इसको पता चले कि मैंने कुछ शरारत नहीं करनी। बड़े आराम से ये पहना लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह तू पाए से बरकत बनाए इस जानवर को, इस सवारी तुम्हारे लिए। ये साइज जो है ना थोड़ा सा इसमें खैर इतना फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है, लेकिन इसमें जो है ना वो एडजस्ट होती है, तो हम इसको जो है ना वो यहाँ से इसकी बकस को क्लोज करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए इसका जो है ना थोड़ा सा एक एक पॉइंट का फ़र्क था, वो हमने इसको थोड़ा सा टाइट कर लिया। इस साइड से भी हमने टाइट कर लिया इसको, तो यहाँ से थोड़ा सा फ़र्क है, इस जगह से थोड़ा सा फ़र्क है नीचे से, तो ये हम दोबारा जो है ना वो उनसे थोड़ा सा सेट करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। सुराख जो है ना वो बिल्कुल हमने एंड पे लगा दिए, लेकिन थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा क्लोज करवा लेंगे और थोड़ा सा इसको भी क्लोज करवा लेंगे। बाकी इसकी जो है ना ब्राइडल का साइज़ जो है ना वो पूरा है। ये जी सैडल पैड है, सैडल पैड इसके ऊपर रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये वाली साइड इसकी फ्रंट साइड आएगी, ये आगे आएगी, तो ये रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है यार सुल्तान, अभी इसके ऊपर सैडल पैड ही रखा है, सैडल पैड से देखें माशाल्लाह यार कितना खूबसूरत लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये जी सैडल है, सैडल जीन, तो ये माशाल्लाह तीन कलर में है, बरगंडी कलर है और ब्राउन कलर और ब्लैक कलर, तीन कलर्स का जो है ना वो ये कम्बिनेशन है, माशाल्लाह अच्छी है, सिंपल सी है। तो ये वाली साइड इसकी फ्रंट वाली साइड पे रखेंगे और ये बैक पे जाएगी। ये विस बेल्ट इसके, ये इसकी जो बेल्ट निकली है यहाँ, इसको इन हुक्स के साथ अटैच करके, दूसरी तरफ भी ऐसे ही हुक हैं उनके साथ अटैच कर देंगे, ये बेली से जो है ना इसको टाइट करेंगे ताकि जीन जो है ना ये हिलेगी नहीं अपनी जगह से। इसकी भी एडजस्ट है, ये होल बने हैं, तो जहाँ इसकी एडजस्ट आएगी वहाँ इसको एडजस्ट कर देंगे। ये स्ट्रैप है, यहाँ इसको लगाएंगे स्ट्रैप के लिए, स्ट्रैप दिखाना ज़रा, ये वाले बेटा ये, हाँ जी ये देखें, ये पाँव रख के जो ऊपर हमने बैठना है, तो इसको हम यहाँ इसको लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ हुक बनी है, इस हुक के साथ इसको अटैच कर देंगे, तो जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ये होल बने हैं तो उसके मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये यहाँ लगेंगे। ये एक बेल्ट है, इसको ओवर गिफ्ट कहते हैं,
ये जब मुकम्मल आपने सैडल रख देनी है, फिर भी इसकी सेफ्टी के लिए, इसकी मजबूती के लिए, पकड़ के लिए ना, ये एक बकल यहाँ बनी है और एक बकल दूसरी तरफ बनी है। तो इसी तरह इस बकल को उस बकल से निकाल के इस बकल में डाल के तो इसको पूरी सैडल को जो है ना मुकम्मल ऐसे टाइट कर देते हैं ताकि ये ओवरऑल जो है ना वो टाइट हो जाए, मजीद टाइट हो जाए ताकि अपनी जगह से हिल ना सके। ये जी चेस्ट बेल्ट है इसकी, ये एक हिस्सा इसका ब्राइडल के साथ अटैच होगा नीचे यहाँ, और ये वाला जो गोल वाला हिस्सा है ये इसकी गर्दन के अंदर जाएगा, और ये वाला हिस्सा इसकी दोनों टांगों के दरमियान से पीछे जो हमने ओवर गिर्थ जो मुकम्मल सैडल को हमने ये वाला जो बेल्ट हमने लगाया है इसके साथ इसको जो है ना वो अटैच कर देंगे ताकि इसकी जो है ना ये थोड़ी सी शेप टाइट रहे यहाँ से, और ये जो जंप वगैरह उठाएगा तो उसके लिए भी ये काफ़ी जो है ना वो बेहतर रहेगी। तो अभी साइज इसका चेक करते हैं, मुझे ज़रा थोड़ा सा इसका साइज खुला लग रहा है, सोना जा रहे हैं, साइज मुझे वैसे ही पहले खुला लग रहा था, एडजस्ट करवा लेंगे हम। ये इसका हिस्सा जो है ना मैंने ये देखें ये नीचे से खोल लिया था, इसको हम ऐसे यहाँ से इसको इसके अंदर करेंगे, ये भी थोड़ी सी लूज है, हम इसको भी टाइट करवाएंगे। नाइस सुल्तान, नहीं बेटा ये जी थोड़ी सी खुली लग रही है मुझे, लेकिन इसको एडजस्ट करवा लेंगे। बाकी दो चीज़ों का इसका इशू आया, एक इसकी जो ब्राइडल से नीचे है जो ये वाली चीज़ है ये थोड़ी सी खुली है, इसको टाइट करवाएंगे, ये थोड़ी सी टाइट करवाएंगे, और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा हम टाइट करवाएंगे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ओके आई है, एक चीज़ रह गई है, ये देख एक चीज़ रह गई थी, ये है रेंज वाग जिसे कहते हैं, जिसे हॉर्स का स्टीयरिंग भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें डालेंगे हम, ये इस जगह पे, ये बिट के ये वाले सुराख पे हम इसको रेन को यहाँ लगाएंगे हम। दूसरा हिस्सा ये हम अटैच कर देंगे इस वाले हिस्से के साथ, यूं जी हमारा सुल्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से रेडी हो गया है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर सवारी अभी तो नहीं हो सकेगी, कुछ अरसे के बाद, कुछ महीनों के बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर हम सवारी करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी वैसे इसके ऊपर सैडल हमने रखी है ताकि बच्चे वगैरह सवारी करते हैं तो उनके लिए भी इजी हो जाए, और ये जो इसका इसको भी प्रैक्टिस हो जाए कि मेरे ऊपर सैडल रखी जाए। तो देखे ज़रा, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे सुल्तान के लिए आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सुल्तान व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अभी एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।